फास्ट रिवीजन ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं डायरेक्ट, मतलब आप डायरेक्ट पढ़ेंगे हर चीज, है ना, क्योंकि हम जितना भी एक्सप्लेन करना था वो शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्या एपी में क्या होता है कि आपका ए टू है, फाइव है, दो तीन पाँच तीन आठ, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह तीन चौदह एंड सो ऑन। तो एपी में क्या होता है ना कि आप किसी में से उसके जस्ट प्रीवियस वाले टर्म्स को घटाओगे तो सेम आएगा, यानी कि फाइव माइनस टू, चाहे एट माइनस फाइव और चाहे फोर्टीन माइनस इलेवन, सब में रिजल्ट आपको तीन ही मिलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तभी एपी बोलेंगे और नहीं तो एपी नहीं बोलेंगे। ये हुआ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब जो है इसी चीज को हम लोग डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ये टी वन होता है, ये टी टू होता है, ये टी थ्री होता है, ये टी फोर होता है एंड सो ऑन। तो अगर डी की बात करें तो डी होता है टी टू माइनस टी वन। अब इसी तरह से इसका मान लीजिए हमको फिफ्टींथ टर्म निकालना है या एनथ टर्म निकालना है, तो टी एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें ए होता है जो पहला टर्म होता है टी वन, यानी कि फर्स्ट टर्म। प्रूफ रूफ सब बताए हुए हैं, अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हैं, उसमें उसके लिए आपको पूरा वो एकदम जो आराम से पढ़ाए उसको देखना पड़ेगा। क्या अब आ जाते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस पे। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टी टू माइनस टी वन या टी एन माइनस टी एन माइनस वन। अब यहाँ पे एन के जगह पे आप चार भी रखोगे तो भी चलेगा। कैसे, चार रख के देखो, यहाँ चार रखोगे तो यहाँ चार में से या तीन पड़ेगा, तो टी फोर माइनस टी थ्री। तो डी जो होता है वो आप टी टू माइनस टी वन भी लिख सकते हो, टी थ्री माइनस टी टू भी लिख सकते हो, टी फोर माइनस टी थ्री भी लिख सकते हो। तो ए के बारे में जान गए, डी के बारे में जान गए, एन के बारे में जान लो। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या ये कभी भी फ्रैक्शन में आ सकता है, नेवर इन फ्रैक्शन फॉर्म, नेवर इन फ्रैक्शन। एन जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, आप कह सकते हो कि टू होगा और एन जो होगा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू टू क्यों कहें, क्योंकि अगर दो गो नहीं रहेगा तो एपी पता ही नहीं चल पाएगा कि वो एपी है कि नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स एक ले लें, मात्र एक, ये फाइव ले लें, तो आप पता चल पाएगा कि अगला टर्म क्या है। तो कम से कम दो गो टर्म लेना होगा, एक पांच ले लिए तो अगला मान लो नाइन ले ली, तो ये इसके बाद हम अगला लिख सकते हैं, पाँच चार नौ, नौ और चार तेरह, तेरह और चार सत्रह। तो n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू होता है और n का वैल्यू नेचुरल नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रेटर देन इक्वल टू टू का मतलब दो दशमलव पाँच भी हो सकता है, समझ गए ये बात। अब जो है हम डायरेक्ट अब कुछ क्वेश्चन, टी एन क्या होता है, टी एन एनथ टर्म, एनथ टर्म। तो अब जरा कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, फॉर्मूला तो अब आपके पास हो ही गया। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जिसमें इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी तरह, एक और नोट करके लिख लोगे फास्ट डिवीजन में, इफ यू फाइंड आउट एनी हाउ ए एंड डी, देन यू नो ऑल अबाउट एपी। अगर आप किसी भी तरह से, सुनना ध्यान से, अगर आप किसी भी तरह से किसी भी चीज़ का ए और डी अगर निकाल लिए तो उस एपी के बारे में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। तो मतलब मेन फोकस आपको किसी भी तरह क्या करना है, ए और डी निकालने में। फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, उस एपी का सब कुछ निकल जाएगा। समझ रहे बात को, बोलो। यस सर।
तो अब चलो कुछ क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। जैसे में ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि 31st टर्म ऑफ एन एपी को फाइंड आउट करिए हुज 11th टर्म इज 38। इसको क्या पढ़ते हो, टीएन को क्या पढ़ते हो, एनएथ टर्म पढ़ते हो। तो अगर तुमसे बोलेगा कि 11th टर्म या 31st टर्म, तो टी के नीचे 31st लिखो। अगर तुमसे बोला 11th टर्म तो टी के नीचे 11 लिखो। समझ रहे बात को, बोलो। अब टी 11 क्या होगा, 11th टर्म 38 दिया है, लिख देंगे। फिर बोला एंड द 16th टर्म, 16th टर्म मतलब टी के नीचे 16th लिखो, क्योंकि nth टर्म का मतलब टी के नीचे n लिखे हैं, वो 73 हो गया। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, तो इसका फॉर्मूला बताओ। टी एन है तो ए प्लस एन माइनस वन डी हुआ है, तो टी 31st होगा तो ए प्लस 30D होगा, होगा कि नहीं होगा। और इसका फॉर्मूला, अब देखो अगर ये थी 31st निकालना है तो क्या तुम्हें ए और डी ही ना निकालना पड़ेगा। हम यही बोल रहे हैं, इफ यू फाइंड आउट एनी हाउ ए एंड डी देन यू नो ऑल अबाउट एपी, तब आप एपी के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। तो अब टी 11 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए प्लस 10D, ए को कम करते हैं ना। टी 16 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए प्लस 15D। दो इक्वेशन क्यों बना, क्योंकि दो अननोन था ए और डी, दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, ए गायब होगा, यहाँ से माइनस 5D आएगा और यहाँ से 3 में से 8 गया, यानी कि 13 में से 8 गया, कितना होगा 5, और ये हो गया आपका 6 में से 3 गया 3, तो डी का वैल्यू कितना आया 7। अब डी का वैल्यू आ गया, अब किसी एक इक्वेशन में चाहे 1 में आ चाहे 2 में अगर डी का वैल्यू रख देंगे तो ए का वैल्यू निकलेगा। तो ए 1 से हमारा ए प्लस 10D बराबर, तो डी का वैल्यू आ चुका है 7 और बराबर 38, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 38 माइनस 7 दहा में 70, तो ए का वैल्यू कितना आ गया माइनस 32। तो ए और डी निकल गया तो 31st भी निकल गया, कितना माइनस 32 और प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू 7। तो माइनस 32 प्लस 7 210, कितना आएगा आंसर, 10 में से 2 गया 8 और ये हो गया आपका 0, 10 में से 3 गया 7, 178 होगा। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आपको किसी भी तरह ए और डी निकाल लेना है। अब कभी कभी पूछता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो ये तो अब बच्चों वाली बात हो गई ना, एपी दे के कॉमन डिफरेंस पूछे तो अब ये बस हम ये बता रहे थे कि फार्मूला अगर आपको पता है तो आप काम कर सकते हो। एक और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देते हैं, मतलब फटाफट वाला, जैसे बॉक्स वाला एक क्वेश्चन देखो, बॉक्स वाला जिसमें खाली स्थान रहता है, 5 हो गया, बॉक्स हो गया, बॉक्स हो गया और 9 and 1/2 हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं इसमें डायरेक्ट भरो। इसको तुम जरा सोचो, चलो इसको हम T2 लिख सकते हैं, इसको T3 लिख सकते हैं, इसको T1 लिख सकते हैं और इसको T4 लिख सकते हैं। बोलो क्या हम T2 को A प्लस डी लिख सकते हैं। ए हमारा कितना है, T1 ही ना ए होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5 plus D। और T3 क्या होगा, 5 plus 2D। T4 कितना होगा, और 5 plus 3D। T4 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 9 दुना 18 1/2 2,
तो क्या हम लोग डी का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो 19 बाई 2 और माइनस 5 बाई 1 एलसीएम 2, 19 माइनस 5 टू जा 10, 9 बाई 2, तो डी का वैल्यू कितना हो गया? 9 बाई 2 इंटू 3, या 3 3 जा 9, यानी कि डी का वैल्यू 3 बाई 2। सही है ना? अब अगर D का वैल्यू आ गया तो हम T2 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और T3 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि A हमको पता है, A है 5, तो 5 प्लस D का वैल्यू है 3 बाई 2, यानी कि 5 दूना 10 और 3 13 बटे में 2। अब फिर T2 का वैल्यू है 5 प्लस D, मतलब 5 प्लस सॉरी ये T3 का वैल्यू था, नहीं ये ठीक है, ये सही है, ये 5 प्लस 2 इंटू डी, तो डी का वैल्यू 3 बाई 2, 2 कट गया, 5 3 8, समझ गया? अरे समझ गया ना, ये मेथड वन हुआ सॉल्व करने का, जिसमें थोड़ा समय लगता है। एक और तरीका बता रहे हैं आपको, आप कभी भी ये जानते हो कि एपी का अगला टर्म डी जोड़ने से ही ना मिलता है? अगर कोई एपी है, 3 से आप 5 लिखे हो, 5 से आप 8 लिखे हो, 3 दो 5 दो 7 लिखे हो, 7 दो 9 लिखे हो, तो क्या 5 कैसे मिला? 3 में 2 जोड़ने से, फिर 5 में 2 जोड़ने से 7 मिला, 7 में 2 जोड़ने से 9 मिला। मतलब आप ये कन्फर्म हो जाओ कि इससे अगला टर्म पे जाना है तो आपको प्लस डी करना होगा। तो इसमें डायरेक्ट क्या भर सकते हैं हम लोग? 5 प्लस डी भर सकते हैं। इसमें क्या भर सकते हैं हम लोग? 5 प्लस 2 डी भर सकते हैं। और इसमें क्या भर सकते हैं हम लोग? 5 प्लस 3 डी। तो 5 प्लस 3 डी जो है डायरेक्ट हम 9 दुना 18 19 बटे में 2 लिखेंगे, तो डायरेक्ट आएगा 3 डी का वैल्यू 19 बाई 2 और माइनस 5, तो आपका एलसीएम 2 हुआ 19 माइनस 5 दुना के 10, 9 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर डी, 3 3 जा 9, डी का वैल्यू 3 बाई 2। अब पहला बॉक्स का नाम क्या है? 5 प्लस डी, तो 5 प्लस 3 बाई 2, तो 5 दुना के 10 3 13 बटे 2। दूसरे बॉक्स का क्या नाम है? 5 प्लस 2 डी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये हो गया 8। अब देखो इस मेथड से क्या होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लो तुम्हारा इसका क्वेश्चन नंबर हम 5 ही देखते हैं, देखो कितना आसान नजर आएगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 5 ही देखो, अगर जो अभी बताए उससे देखो कितना आसान हो जाएगा। इसमें पहले ही बॉक्स रखा है, फिर 38 लिखा है, फिर बॉक्स लिखा है, फिर बॉक्स लिखा है, फिर बॉक्स लिखा है, और उसके बाद आपका माइनस 22 लिखा है। जरा बताओ कि अगर किसी एपी में 5 2 7 7 2 9 9 2 11 है, तो 7 के अगर पहले आना होगा तो तब तो माइनस डी ना करना पड़ेगा, और 7 के बाद जाना होगा तो प्लस डी करना पड़ेगा। तो अगर 38 से पहले आ रहे हो तो 38 माइनस डी करो, आगे बढ़ रहे हो तो 38 प्लस डी करो, फिर आगे बढ़ रहे हो तो फिर प्लस डी करो, तो 38 प्लस 2 डी करो, फिर आगे बढ़ रहे हो तो 38 प्लस 3 डी करो, फिर आगे बढ़ रहे हो तो 38 प्लस 4 डी करो, और वो वैल्यू माइनस 22 होगा। सही है? तो 4 डी का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो कितना? माइनस 22 और माइनस 38, तो कितना हो जाएगा? 8 दो 10, 3 दो 5 एक 6 माइनस में, तो D का वैल्यू 4 से डिवाइड होगा तो माइनस 15 होगा। बोलो, अब पहला बॉक्स का नाम 38 माइनस D, तो 38 और माइनस ऑफ माइनस D यानी कि प्लस 15, तो 8 5 13 भरो और 3 और 1 4 5 भरो। दूसरे बॉक्स का नाम 38 प्लस डी, तो 38 प्लस डी का नाम माइनस 15, तो घटेगा एक्चुअली में, तो 8 में से 5 गया 3 फिर से, और 3 में से 1 गया 2, 23 भरो। तीसरे बॉक्स का नाम 38 प्लस, अच्छा एक बात बताओ, अब तीसरा बॉक्स भरने के लिए क्या करेंगे? हमको डी के बारे में पता चल चुका है कि नहीं पता चला है कि चला है?
तो अगर हमको डी के बारे में पता चल गया है और हमको पता है कि 23 के बाद वाला वो डब्बा है शायद, नहीं, हाँ सही बात है, 23 के बाद वाला डब्बा है, तो 23 में से कितना घटाएंगे? अगर ये डब्बा में 23 भर चुके हो तो अगला डिब्बा में आप प्लस डी करोगे तो माइनस 15 होगा ना, तो वो डायरेक्ट डब्बा को भर दो, तो 38 में से 15 घटा दो, सॉरी 23 में से 15 घटाओ, तो 15 और 5 20 और 3 23 8 होगा, और अगला डब्बे में 8 में से 15 घटाओगे तो 8 में से 15 घटाओगे तो कितना होगा, 7 ना माइनस में, तो ये मतलब बिना कैलकुलेशन किए हुए तुम इसका आंसर पा सकते हो अगर ऐसे चलो तो, समझ गए बात को? क्या कोई नहीं काटेगा, आप कैसे भी बनाओ कोई नहीं काट सकता है, क्वेश्चन आप बना रहे हो ना भाई, ऐसे थोड़ी है कि क्वेश्चन को आप वैसे ही बनाओगे तभी हम आंसर देंगे जैसे हमको आता है, ऐसा कोई रूल होता है कि जैसा हमको आता है भैया वैसा ही बनाओ सब बच्चे? ऐसा हो सकता है कि बस जैसे हमको बनाने आता है वैसे ही सारा बच्चा बनाए? इट इज़ पॉसिबल कि ऑल ओवर द इंडिया के बच्चे जो है जैसे हम जानते हैं वैसे ही बनाएगा? नॉट पॉसिबल। तो अब जो है, अब इसमें जो है ये सब तो बनाई, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 कहता है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन लाई बिटवीन अगर बिटवीन बोल दिया तो क्या किनारा शामिल होगा? अगर बोला है कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल हैं? तो 4 का मल्टीपल देखो, 4 का 4, 4 दुना 4 तीय 12, इसके बीच में आएगा, 4 चौके 16, इसके बीच में आएगा, नहीं 4 पाँच 20, 4 छः 24, डॉट डॉट डॉट, 250 4 से कटता है, 4 छः 24, 1 बचा 0, 4 दुना 8, 2 बच गया, कटा जी। लेकिन अगर हम इसमें हम 252 कर दें, ये 252 कर दें, तो अब जरा बताओ तो ये कटेगा कि नहीं? हम यहाँ 252 कर दिए, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? हम लिख दिए 252। अब हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर 10 और 252 के बीच में 4 का जितने भी मल्टीपल है वो गिनना है, कितने 4 के मल्टीपल हैं? तो अगर बोला है 252 तक है तो क्या हम 252 को लेंगे अगर इन्होंने वर्ड यूज किया है बिटवीन? तो नहीं यूज करेंगे, 252 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 10 और 252 के बीच में जितना है उसे लेना है। बात समझ रहे हो, ये वर्ड का मतलब समझ रहे हो? 250 तो था ही नहीं, 250 तो था ही नहीं, तो इसीलिए हम 252 किए, कि 252 भी रहता ना तो आपको केवल 12 16 20 24 डॉट डॉट डॉट, 252 के पहले 4 घटाओ 4, क्योंकि 252 से 4 पहले ही 4 से कटने वाला नंबर मिलेगा 248। अब ये कितना है हमको बताना है कि ये कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स गिनना है, तो ऐसे गिन नहीं सकते हो, तो आप ये लिख लो कि इसका nth टर्म क्या है, 248 है। तो अगर tn जो है 248 है तो फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 248, a का वैल्यू पहल का जो चमकता है, 10 मत लिख देना, और n माइनस वन और d का वैल्यू अगर 4 का मल्टीपल खोज रहा है तो 4 ही होगा d, ये भी याद रखना, अगर 5 का मल्टीपल खोजेगा तो 5 होगा, ठीक है, वह कैलकुलेशन कर सकते हैं और n का वैल्यू
ठीक है ना। अच्छा 60 होगा, हाँ तो 60 होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट समझिए कि लास्ट टर्म अगर 248 हो गया तो ये टी एन दे दिया, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो एन होंगे, एन टर्म्स। लेकिन nth पोजीशन का नंबर, मतलब nth पोजीशन का टर्म 248 है। बोलो, बोलिए। हाँ तो क्या पूछना है बोलो ना। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। माने कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि शुरुआत, जैसे एपी दिया है 10, 7, 14, तो शुरुआत से 11th टर्म का फॉर्मूला जानते थे, टी 11 बराबर 11 प्लस सॉरी ए प्लस 10D। लेकिन अब क्या किया है कि अंत से जो इधर की ओर आने पे, अंत से टुवर्ड्स फर्स्ट, फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट आ रहे हो, तो 11th पोजीशन पे जो टर्म होगा वो बताओ। तो इसका एक ही मेथड जो बता रहे हो, याद रखना, एपी को पलट देना, एपी को क्या कर देना, पलट देना डायरेक्ट, कहना कि एपी को पलटने पे, है ना, एपी को पलटने पे अंग्रेजी लिख लेना अपना, आफ्टर रिवर्स द एपी। इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, आफ्टर रिवर्स द एपी। तो -62। अब जरा बताओ, इधर की ओर बढ़ते हुए तुम घटाते हुए चार चार न गए, तीन तीन गए हो, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 3 गया, समझ रहे हो बात को। अरे बोलो ना, तो उधर से आते हुए तुम चार चार तीन तीन जोड़ोगे ना, तो क्योंकि देखो 4, 3, 7, 7, 3, 10 हुआ है, तो 3, 3 जोड़ रहे हो, तो -62 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -59, फिर -56 एंड सो ऑन, लास्ट में हमको 10 लिखना होगा। अब जरा बताओ, न्यू जो एपी है उसका तो फर्स्ट टर्म बदलेगा, याद रखना, और कॉमन डिफरेंस भी बदलेगा, +3 हो जाएगा। कैसे होगा +3, तो -59 माइनस ऑफ -62, यानी कि -59 और +62। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब एपी का फर्स्ट टर्म और डी बदल गया, अब आपको इस एपी का अगर हम 11th टर्म निकालें तो हमारे वाले एपी का लास्ट से 11th टर्म होगा, मानते हो कि नहीं। ए का वैल्यू -62 और +10 और डी का वैल्यू आपका 3, तो -62 और +30 कितना बचा, 12 में से 0 गया, मतलब 2 में से 0 3, ठीक है -32, समझ रहे हो ना। एपी को पलट देना, पलटने के बाद इस एपी का शुरू से 11वां टर्म, पहले वाले का अंत से 11वां टर्म होगा, आप ये भी समझ रहे हो, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन में डाउट। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन के किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपी, दो गो एपी दिया गया है 63, 65, 67 और एक एपी दिया है 3, 10, 17 .. तो इन दोनों एपीज के nth टर्म बराबर हो जाए। लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज, दिस एंड दिस आर इक्वल। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला एपी का nth टर्म और दूसरा एपी का nth टर्म क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो बस हो गया। पहले एपी के लिए a1 plus n माइनस 1 d1 लिखो, क्योंकि n तो सेम होगा, क्योंकि दोनों टर्म्स के लिए ही n पूछ रहा है। अगले एपी के लिए a2 plus n माइनस 1 into d2 लिखो, n ही तो प्राप्त करना है कि n के किस वैल्यू के लिए दोनों बराबर होगा, तो दोनों बराबर होगा ये करके n का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 का वैल्यू 63, n माइनस 1 d1 का वैल्यू
65 में से 63 गया 2, ए टू का वैल्यू 3 ही था ना, हाँ, प्लस एन माइनस वन, और डी टू का वैल्यू 10 में से 3 गया 7। अब करो कहानी, कहानी करो, 3 को इधर भेजो, क्या बचेगा, 60 बचेगा, और 7 को एन माइनस वन उधर है, ई वाला कै गो एन माइनस वन है, तो 2 को एन माइनस वन को आरएचएस में भेज दो, तो 7n-7 एन माइनस वन कॉमन ले लो, तो 7 में से 2 गया 5, तो 5n-5 यह बराबर 60। या फिर ये भी कह सकते हो कि 5 × n-1 5 से इसको डिवाइड कर दो, 12 × 5 = 12 होगा, तो n का वैल्यू 13। कैलकुलेशन तुम यहाँ से कर ही सकते हो, हमने एक दूसरा कैलकुलेशन तुम्हें समझा दिया कि n-1 अगर एक मानोगे तो 7 को n-1 आरएचएस में है, इसको भेजोगे तो 2 को n-1 घटेगा, तो 5 को n-1 बचेगा। अब 5 से 12 को काट 60 को काट दिए 12 बार में, और n का वैल्यू यहाँ से माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन होगा, तो 12 और 1 13 होगा, समझ गए। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, उसका क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का एस एन, क्या फार्मूला होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ये होता है, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को एस एन बराबर एक और लिखते हैं, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब टी वन प्लस टी एन, ऐसे भी लिखते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दोनों फार्मूला होता है एपी के सम का, जिसमें एस एन को क्या रीड करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब जानते हो, कोई एपी दिया है ना तो शुरुआत से एन पदों का योग, शुरू से एन पदों का योग, कहीं से नहीं, अंत से नहीं, शुरू से जोड़ना है आपको, और वो होता है एस एन। एन को जानते ही हो, ए को जानते ही हो, डी को जानते ही हो, एक वर्ड यही आया था ऐसे। अब चलिए इसमें कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो बताइए, नहीं तो एक और फार्मूला होता है एपीस के सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का, एन एस टर्म्स निकालने का, जिसमें एस एन दिया रहता है, इस पर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है पूछिए जल्दी जल्दी। देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन आया कि सर आप ये क्वेश्चन बताइए कि द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 63Q-3Q² इफ इट्स pth टर्म इज 16-16, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड ऑल्सो फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस ए पी। ये इस फार्मूला से नहीं बन पाएगा, आपको इसके लिए एक चीज़ जानना पड़ेगा और वो शॉर्ट में बताते हैं। एस एन कभी भी अगर आपको, मतलब आप फास्ट रिविजन कर रहे हो, मतलब जितना भी बढ़िया से एक्सप्लेनेशन है वो आराम आराम से जो वीडियो बनाया गया है उसमें है, फास्ट रिविजन के लिए देखिए, अगर कभी भी आपको एस एन का वैल्यू 5n² + 2n दिया हो, अगर कांस्टेंट टर्म होगा तो समझ लेना कि एपी के सम को रिप्रेजेंट करने वाला वो नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, इतना होगा तो ये जो चीज़ होता है ना, ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है किसी एपी का, मतलब किसी एपी को जैसे आप 2 मान लो, 5 मान लो, 7 मान लो, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14 ……. तो ये शुरू से लेके आप एन पदों को जोड़े होगे ना, एन पदों को जोड़े होगे ना, तो वो इसी तरह का आया होगा, ये याद रखिएगा। तो अगर एस एन है ना, तो एस एन से सुनो, अब ध्यान से सुनना, एस एन से हम लोग फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, एस एन से हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगर हम एस एन से फर्स्ट टर्म निकालने सीख जाए और कॉमन डिफरेंस निकालने सीख गए, तो क्या हम एस एन के फार्मूला से एनथ टर्म नहीं निकाल लेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके। मतलब हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि यू कैसे भी करके आप ए और डी निकाल लो, उस ए पी का सब कुछ निकाल सकते हैं, बताएं कि नहीं बताएं। तो अब जो है आप ए और डी निकालने पे जोड़ दें, और एस एन से याद रखना, एस एन से
आपको हम D निकालने सिखा रहे हैं और A, A तो डायरेक्ट आप लिख लो, A बराबर S1 होता है। A बराबर क्या होता है? S1, मतलब N के जगह पे आप 1 डाल दो तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1, यानी कि A का वैल्यू कितना आ गया? 5 और 2 7, ठीक है। D आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे? जो n इस देखो, एक होता है फॉर्मूला आपका t2 - 2t1, क्या होता है s2 - 2s1 होता है। तो s2 कितना आएगा? आप 2 डालो, 2 डालोगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो दो दुना के 4 पाँचे 20 और 4 24, तो 24 में से आपको 2s1 घटाना है। s1 आपका आया हुआ है 7, तो 7 दुना के 14 घटाना है, तो 24 में से 14 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10। तो ये याद रखना कि जो n स्क्वायर का कोफिशियंट है ना, उसका डबल होता है कॉमन डिफरेंस। डायरेक्ट डायरेक्ट क्या याद रखोगे कि फर्स्ट टर्म तो हम s1 से निकाल लेंगे और कॉमन डिफरेंस n स्क्वायर का कोफिशिएंट देख के डबल कर देंगे। आप कहोगे कि सर क्या ऐसा हमेशा होगा? तो हम देख लेते हैं, देख लो तुम अपने आंखों से। अगर मान लो हम sn का फॉर्मूला तुम्हें दे देते हैं 11n स्क्वायर और माइनस में 3n, ऐसे दे देते हैं। अब जरा हमें बताओ कि अगर हम बोले कि फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, तो आप s1 बोलोगे, s1 का वैल्यू क्या आएगा? 11 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3, यानी कि 11 में से 3 गया 8। अब हम अगर तुमसे पूछेंगे कि d क्या होगा, तो d का फॉर्मूला होता है s2 - 2s1। तो s2 का वैल्यू निकालो पहले, तो s2 का वैल्यू के लिए 2 दुना के 4 और 4 11 44 और माइनस 3 दुना के 6, 44 में से 6 घटाओ 38, क्या क्या ऐसे बने? मैंने ए का डबल होता है क्या कॉमन डिफरेंस? यार पगला रहे हो का? फर्स्ट टर्म का दुगुना होता है कॉमन डिफरेंस। हमने बोला एन स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसका डबल, एन स्क्वायर का कोफिशियंट 5 है उसका डबल करो, 10 है कॉमन डिफरेंस। अगर हम बोले होंगे कि ए का डबल, तो हम गलत बोले हैं, एन स्क्वायर का कोफिशियंट का डबल होता है। अब एस टू निकाले तो 2 × 4 ग्यारह चौके 44 माइनस 6, 44 में से 6 गया तो 38 बचेगा। 38 माइनस 2s1 माने कि s1 8 है, तो 8 × 16। अब घटा के देखो कितना आएगा, 22 आएगा। अरे 22 आएगा कि नहीं, 22 आएगा कि नहीं? अब तुम देखो तो एन स्क्वायर का कोफिशियंट 11, उसका डबल आया कि नहीं कॉमन डिफरेंस? आया है। अब अगर इसी एपी का अगर ए निकल गया और डी निकल गया, इसका पूछेगा 11वां टर्म बताओ, तो 11वां टर्म के लिए हम ए प्लस 10d नहीं लिखेंगे। ए का वैल्यू हमको 8 मालूम है, 10, और डी का वैल्यू हमको 22 मालूम है, तो ये 8 प्लस 220 होगा, यानी कि 228 आंसर। बोलो समझ रहे बात को? अगर ए और डी निकल गया, जैसे ए इसका निकल गया डी निकल गया, अगर मान लो 20वां टर्म पूछेगा इसका 20वां टर्म क्या होगा, तो 20वां टर्म या 21वां टर्म क्या होगा, तो 21वां टर्म के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे? ए प्लस 20d, तो ए का वैल्यू कितना है? 7, अब प्लस 20 गुना डी का वैल्यू कितना है? 10, तो कितना हो गया ये 207। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये भी याद रखना कि sn में कभी भी अगर केवल कांस्टेंट टर्म आ जाए तो वो ap के सम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है। दूसरा चीज कि केवल n स्क्वायर रहेगा तो भी रिप्रेजेंट करेगा ap के सम को, मतलब अगर n ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन c अगर रहेगा तब वो ap के सम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो अब जरा बताओ
कि इसने बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63Q-3Q2। तो इसका मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, मतलब ये सम को ही ना रिप्रेजेंट कर रहा है, 63Q और माइनस में 3Q2। तो इसको लिख दो -3Q2 और +63Q। अब इसका अगर हमको फर्स्ट टर्म निकालना है तो S1 निकालेंगे, Q के जगह पे 1 डालेंगे, तो S1 कितना आ जाएगा, -3×1² और +63×1, तो हमको लग रहा है 60 होगा। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया। अब कॉमन डिफरेंस क्या फॉर्मूला, अभी अभी बताएं, Q² n² का कोफिशिएंट का डबल, तो की स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है, उसका डबल -6 डायरेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर एपी का फर्स्ट टर्म निकल गया, यही फर्स्ट टर्म है हमारा, तो अगर इसका पीएथ टर्म बोला है कि पीएथ टर्म बताइए, तो पीएथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a+p-1×d होगा कि नहीं, पीएथ टर्म इज -16 दिया है ना, बोल नहीं रहे हो, अच्छा 60 है, तो -60 क्या दिक्कत है। अब टीपी बराबर a+p-1×d होगा, क्योंकि यहां जो होता है 10 होता है तो 10 में से एक घटेगा, 50 होगा 50 में से एक घटेगा, p होगा p में से एक घटेगा, तो टीपी का वैल्यू -60 है, a का वैल्यू आपका अभी अभी आया हुआ है 60, प्लस p नहीं मालूम -1, और d का वैल्यू आपको पता है -6। तो अब बताओ ये 60 को इधर भेज दें तो क्या होगा, +60 होगा, तो -120 और बराबर बोलो -6 और × p-1। अब -6 को इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, 20 होगा, तो p का वैल्यू कितना होगा, 21। इसने पूछा था ना ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, बोलिए पी का वैल्यू कितना था, 21, एंड फाइंड द 11th टर्म। अब 11th टर्म पूछा है हमसे, t11 का वैल्यू a+10d होगा, a का वैल्यू 60 है +10, d का वैल्यू -6, तो 60 और -60 जीरो, 11th टर्म इसका जीरो है, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। अरे भैया डी को हम बोले हैं कि अभी अभी जस्ट ऑब्जर्वेशन हुआ कि एन स्क्वायर का कोफिशिएंट का डबल आता है, तो क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है, उसका डबल कर लो, नहीं अगर तुमको समझ में आ रहा है तो तुम डी का फॉर्मूला लिखो, S2 -2S1। S2 कैसे आएगा जरा बताओ, क्यू के जगह पे 2 रखो, तो 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2×2=4, आ 4×3=12, -12 आ +63 कर लो कितना, 3×6 आ 6×12, 126 में से कितना घटाना होगा जी, 2×4=12, 12 घटाना होगा ना, अरे सही कर रहे हैं ना, 2×4 4×3=12 घटाना होगा, तो 6 में से 2 गया 4 आ 2 में से 1 गया 1 और ये 114 आया, 114 में से क्या घटाओगे, 2S1, तो S1 का वैल्यू -6 है, तो -6 का 2×2 कितना होता है, अरे -6 का 2×2 क्या होता है भाई, -12, तो माइनस और यहाँ +12 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के देखो, कुछ गलती किए हैं हम, कुछ गलती किए, 2×4=12, ये 12 हुआ माइनस में, और प्लस इसका क्यू का वैल्यू 2 है, तो 3×6 6×12, यहाँ पे गलती हुआ है, 3×6 नहीं सही तो हुआ है, देख लो क्या गलती हुआ है, वो सही आएगा, क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट का डबल आता है, -6 ही कॉमन डिफरेंस रहेगा।
अरे सॉरी सॉरी, एस वन का वैल्यू तुम्हारा 60 है ना, तो 60 का दुगुना कितना होता है, 120 ना होता है, समझ रहे हो बात को? तो अगर 60 का दुगुना 120 होता है तो माइनस में कितना होगा, 120। तो अब 120 में से 14 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस से नहीं बचेगा क्या, माइनस का 6 बचेगा ना, तो उतना करने से अच्छा है कि क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट का डबल याद रखो। चलो ठीक है, प्रिंट कर लो। अगर तुमको समझ में नहीं आया तो वो स्लो में जो पढ़ाए हैं उसको देखना पड़ेगा, ये बात आप लिख लो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये फास्ट विजन है, इसमें जल्दी जल्दी हम लोग एपी को ख़त्म कर दिए। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो जल्दी। देखिए अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इन एपी द फर्स्ट टर्म इज 8, मतलब सीधा जो इन्फॉर्मेशन दिया है सॉल्यूशन में पहले लिखा करो, ए बराबर 8 है लिख लिए, एंड द nth टर्म मतलब tn का वैल्यू, nth टर्म मतलब tn का वैल्यू 33 है, इसको भी लिख लिए, एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का रिप्रेजेंटेशन sn वो भी लिख लिए 123। फाइंड n एंड कॉमन डिफरेंस, अब n बराबर क्वेश्चन मार्क एंड d बराबर क्वेश्चन मार्क, यही है ना, बोलो। अब जरा बताओ tn का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें इसमें 33 जो दिया है ये वैल्यू दिया है कि नहीं इसका, और a का वैल्यू हमारा 8 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू तो पता ही नहीं है, n का भी वैल्यू पता नहीं है, वो रहने देंगे प्यार से, वो रहेगा, 8 को इधर भेज दे तो कितना बचेगा, 25। तो 25 बराबर एन माइनस वन इंटू डी, इसको रखे रहेंगे क्योंकि इसके बाद हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान के रखे रहेंगे, जरूरत पर थोड़ा सा दो लाइन जगह भी छोड़ देंगे। एक और चीज़ मालूम है हमको, sn, sn का फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पता है ना। अब sn का वैल्यू हमको दिया हुआ 123, लिखेंगे n बाई टू, n नहीं पता है, 2 इंटू ए, ए पता है 8, 8 दुना 16, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत? अब देखो एन माइनस वन इंटू डी का डायरेक्ट वैल्यू यहां आएगा कि नहीं, बोलो ना, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू डायरेक्ट 25 यहां लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट, 25 और 16 ये पूछेगा कि आप कहाँ से लिखे, तो हम लिख देंगे ब्रैकेट में फ्रॉम वन, इक्वेशन वन से हमने लिखा है, 16 25 को जोड़ो, 16 और 25 को जोड़ो, दिखेगा सब दिखेगा, 16 25 को जोड़ो 41 होगा, तो 123 गुना 2, क्योंकि ये दो नीचे से आएगा, और डिवाइडेड बाई 41 बराबर n होगा, ठीक है ना, 41 से दो बार में ये कट जाएगा ना, तीन बार में, तीन एकम तीन, तीन तीन चौके 12, कट गया तीन बार में, तो n का वैल्यू 6 आया, और n का वैल्यू अगर आ गया हमारा तो इक्वेशन वन से हम लोग केवल डी ही ना अननोन बचेगा अगर एन रख देंगे तो 25 बराबर एन माइनस वन इंटू डी, तो एन माइनस वन इंटू डी, तो एन का वैल्यू है 6, तो 25 बराबर 6 में से गया 5 डी, तो डी का वैल्यू भी तो 5 ही होगा, समझ में आ गया आंसर। और कोई क्वेश्चन है पूछो, मिला लो क्वेश्चन सही लिखे बोले हो ना, कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48। हमेशा याद रखना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को एस एन लिखते हो तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स को एस थ्री लिखोगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को एस एन लिखते हैं तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स को एस थ्री लिखेंगे,
फिर आगे कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, मतलब टर्म का प्रोडक्ट, तो टी वन टर्म कहलाता है और टी टू टर्म कहलाता है, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, एक्सीड, बढ़ जा रहा है, कितना से, फोर टाइम्स द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म्स के थ्री टाइम्स से, कितना गुना, कितना ज़्यादा बढ़ रहा है जी, 12, तो हम तो बराबर ना लिखे हैं, तो अगर ये 12 को बढ़ जा रहा है, हम बराबर लिखे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, फोर टाइम, तो फोर टाइम से ये कितना बढ़ रहा है, T1 T3, तो अब जरा बताओ कि अगर हम T1 T2 को बराबर 4 times of T3 लिख दिए तो गलत लिख दिए, क्यों, क्योंकि ये 12 को बढ़ जा रहा है, तो बराबर कैसे होगा दोनों इक्वेशन, तराजू पे ये 12 को बढ़ रहा है तो इधर 12 जोड़ दो, ये 12 को बढ़ा है ना, आ तुम बराबर लिखना चाहते हो, तुम बराबर लिखना चाहते हो, तो ये 12 को बढ़ा है, बराबर लिखना चाहते हो तो उधर 12 जोड़ दो, क्योंकि उधर 12 कम हुआ होगा, समझ गए, यहाँ घटा भी सकते हो, अगर ये 12 को बढ़ रहा है तो 12 को घटा के मैनेज कर दो, तो बात तो वही हुआ ना कि इधर भेजोगे तो 12 माइनस में होगा, बात तो एक ही होता है। अब जरा बताओ S3 का मतलब क्या लिखेंगे, 3/2 और ब्रैकेट में बोलो, अरे N/2 होता है भाई, SN का फॉर्मूला, N/2 × 2A + N-1 × D, जहाँ जो ये लिखते हो ना उसी का आधा होता है, तो 3 है तो 3/2 और 2 × A और प्लस N-1 × D, समझे कि नहीं समझे, ये पहले बता दो, इसका वैल्यू हो गया 48। अब जरा बताओ कि इस AP में हमको बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, काम चला लेंगे इतना से, इतना ही से काम चला लेंगे, 3/2 को उधर भेजेंगे तो 3 से कटेगा ना, ये 3 × 3 = 18, और 2 को अगर भेज दे उधर तो हम ये कह सकते हैं कि 2A + N-1 × D का वैल्यू हमारा 16 × 32 होगा। अब यहाँ से देखो, T1 को हम देखो इस इन्फॉर्मेशन से क्या लिखेंगे, T1 को तो हम A लिखेंगे और T2 को हम A + D लिखेंगे, हाँ A + 2D लिखेंगे, T2 को A + D लिखते हैं, T3 को क्या लिखेंगे, A + 2D लिखेंगे और +12। अब A और A का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, अब +AD बराबर 4A + 4×8D और +12 होगा ना। एक काम करते हैं कि इसमें n भी अननोन है कि n दिया है, अरे भाई n क्यों लिखे हैं यार, ये तो हम पागल हैं यार, 3 - 1 होगा, N-1 होता है तो 3 है तो 3 - 1 तो 2 हो जाएगा ना, तो A2A + 2D = 32, तो और आसान हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा सोचे तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो A + D का वैल्यू आपका 16 हो जाएगा, तो A + D का वैल्यू 16 हो जाएगा, तो A का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कितना, 16 - D हो जाएगा ना, A का वैल्यू 16 - D लिख सकते हैं कि नहीं। अब जहां भी A आपको चमक रहा है, वहां 16 - D लिख दीजिए, तो एक काम करिए, काम ये करिए कि इसके जगह पे मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आप A के जगह पे पहले लिख लीजिए, ए के जगह पे आप लिखिए कितना, 16 - D, फिर A + D है तो उसको लिखिए ए के जगह पे 16 - D और +D बराबर 4 times of
ए के जगह पे आप 16 माइनस डी लिखें, पहले से प्लस 2d है और प्लस 12। क्या ये हम गलत लिखे हैं कि सही लिखे हैं, बोलिए प्लीज। अब जरा देखिए, ये d और d कट जाएगा तो 16 इंटू कितना आने वाला है, 16 माइनस डी बराबर, ये देखिए 4 टाइम्स ऑफ कितना आने वाला है, 4 ब्रैकेट में 16 माइनस डी प्लस 2 डी, तो डी ना बचेगा केवल, तो 16 और प्लस डी बचेगा और प्लस 12। अब जरा बताओ कि क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि 4 इसमें कॉमन है दोनों में, तो 16 प्लस डी और प्लस 4 तिया 12 सही है, और इस 4 से इस 16 को काटेंगे इसीलिए कॉमन निकाले थे, तो 4 चौके 16, अब 4 का गुना करो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो 16 चौके 64 माइनस 4d बराबर, यहाँ देखो 16 और 3 19 प्लस डी होगा। अब जरा देखो डी को उधर भेज दो, डी को उधर भेज दो तो 5d होगा, 90 को इधर भेज दो तो 64 और माइनस 19 होगा, तो 14 में से 9 गया 5 और 5 में से 1 गया 4 बराबर 5d, तो d का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा, तो d का वैल्यू 9 हो गया। d पूछा था कि नहीं पूछा था, फाइंड द ap, तो ap बोल रहा है तो d निकल गया, a निकाल लो, a और d निकल जाएगा तो ap निकल ही जाएगा ना, तो a का वैल्यू देखो यहाँ से 16 माइनस डी दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो ए का वैल्यू 16 माइनस डी है, तो 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आएगा, तो ए का वैल्यू 7 हो गया, डी का वैल्यू 9 हो गया, तो ap क्या लिखेंगे जी, पहल का होता है फर्स्ट टर्म माने ए से शुरू होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, तो ए हो गया 7 और 7 प्लस 9 हो गया 16 और 9 हो गया 25 और 9 हो गया 34 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मैच काहे नहीं करेगा भाई, मैच काहे नहीं करेगा, बिना मैच करने के लिए बना रहे हैं हम। चलिए और कोई क्वेश्चन पूछना है कि आप रहने दें, अब ये देखो एपी में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे हैं भी नहीं, सारे तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं, और भी कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हो, अब क्लास 11th का क्लास है क्या,